शहर की यातायात व्यवस्था ठीक करने के उद्देश्य से एसपी सिटी के नेतृत्व में चलाए गए वाहन चेकिंग अभियान में 2 दर्जन से अधिक वाहन चालकों के चालान काटकर दंडित किया गया। वाहन चेकिंग अभियान से दुपहिया और चार पहिया वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। इस दौरान एसपी सिटी राजेश कुमार ने बिना सीट बेल्ट लगाए 2 पुलिस कर्मियों के चालान काटकर भी उनको दंडित किया। फिरोजाबाद में देर शाम एसपी सिटी द्वारा चलाए गए वाहन चेकिंग अभियान से लोगों में उस समय हड़कंप मच गया जब एसपी सिटी ने यातायात कानून का पाठ पढ़ाते हुए 2 पुलिसकर्मियों को वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा जो उत्तर थाने में तैनात थे। वो सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए थे। थाना दक्षिण में तैनात सिपाही को बिना हेलमेट के पकड़ लिया, चालान काटकर तीनों को दंडित किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई को देखते हुए वाहन चालकों में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते लोग यातायात कानून के दायरे में चलते नजर आए। हेक्स न्यूज के लिए अमन जैन की रिपोर्ट। देखिए, वो तो रूटीन में हम लोग करते रहते हैं, वाहन चेकिंग हमेशा की जाती रहती है। शाम को 2 घंटे जो है फुट पेट्रोलिंग हो रही है, सारे अधिकारी निकलते हैं करते हैं। इसी दौरान में कुछ पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की गई, कानून से बाहर वो नहीं है। अगर वो हेलमेट नहीं लगाते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसी के तहत कल चेकिंग में सिपाही जो हेलमेट नहीं पहने थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, सीट बेल्ट जो नहीं सरकारी गाड़ियों में लगी थी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, एक नीली बत्ती की गाड़ी भी पकड़ी गई थी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, पुलिस हो या पब्लिक हो या सरकारी कर्मचारी हो अधिकारी हो, जो नियम का उल्लंघन करेगा सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।